किसान भाइयों जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं शिल्पी। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र देने की है योजना। बीते दिनों मांडर के करगे गांव में हुआ बछिया प्रदर्शनी का आयोजन और लोबिया के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पंत लोबिया 2। और अब समाचार विस्तार से। BGREI योजना के तहत राज्य में धान की उपज और उपज क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र नेपसेक स्प्रेयर, पावर नेपसेक स्प्रेयर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, पैडी थ्रेसर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पंप सेट, कोनोवीडर, तौल मशीन, मॉइस्चर मीटर, पोर्टेबल बैग सिलाई मशीन, थ्रेसिंग फ्लोर और मिनी राइस मिल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान अपने जिला के जिला आत्मा कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर वहीं अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पिछले दिनों रांची जिला के मांडर प्रखंड स्थित करगे गांव में बछिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें 40 पशुपालकों ने अपने 65 बछिया के साथ भाग लिया। इस अवसर पर जिला वायफ के जिला पदाधिकारी राजेंद्र सिंह ने पशुपालकों को वायफ द्वारा संचालित कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण और निःशुल्क कृमिनाशक दवाइयों के वितरण के संबंध में जानकारी दी तथा पशुपालकों को इससे लाभ उठाने को कहा। इसके अलावा जिला गव्य विकास पदाधिकारी और तकनीकी पदाधिकारी ने गव्य विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। आलू फसल में अगेती या पिछेती झुलसा रोग लग जाए तो उपज पर प्रतिकूल असर पड़ता है। आलू की खेती कर रहे किसान अपनी फसल को अगेती और पिछेती झुलसा रोग से बचाने के लिए 2 से 3 बार डायथेन M45 दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। आलू फसल में अगेती या पिछेती झुलसा रोग लग जाए तो पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बा कुछ दिनों के बाद राख के जैसे झुलसा हुआ दिखाई देने लगता है। झुलसा के प्रकोप से पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं और पौधे मर जाते हैं। किसान भाई, आप अपने आलू फसल को झुलसा रोग से बचाने के लिए अनुशंसित मात्रा में डायथेन M45 दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। आलू में झुलसा रोग को बचाने के लिए जो अगेती और पछेती दो झुलसा है जिससे कि आलू का फसल को नुकसान होता है, इसमें डायथेन 45 ये फफूंद नाशक है और इसका स्प्रे 2 से 3 बार करने से आप इस फसल को झुलसे से बचा सकते हैं। किसान भाई, लोबिया की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए 15 फरवरी से 15 मार्च तक बुआई का काम किया जा सकता है। राज्य के जो किसान लोबिया की खेती करना चाहते हैं, वे इसके बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पंत लोबिया 2 लगाएं। लोबिया की गिनती दलहनी फसल में की जाती है और ये बोदी की ही एक प्रजाति है। लोबिया की बुआई में 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद पंत लोबिया 2 लगाएं। ये 75 से 80 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान टाड़ जमीन में विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं, वे अपने खेतों में निकोनी का काम करने के लिए पेग हो नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं टमाटर फसल माहो सफेद मक्खी और पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़ों से बचाव के उपाय के बारे में। किसान भाई, जब टमाटर का बिचड़ा तैयार होने की स्थिति में हो तो उसे खेत में रोपने से 3-4 दिन पहले उपचारित कर लें। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा 0.3% से घोल बनाकर बिचड़ों के जड़ में डालें। इसके बाद पौधारोपण करने से टमाटर फसल में माहो सफेद मक्खी और पत्तियों से रस चूसने वाले कीट नहीं लगते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,950 रुपए से 2,350 रुपए, चावल मध्यम 2,400 रुपए से 2,900 रुपए, चावल उत्तम 3,500 रुपए से 6,000 रुपए, गेहूं 2,200 रुपए से 2,600 रुपए, दाल अरहर 6,800 रुपए से 7,600 रुपए, दाल मसूर 5,600 रुपए से 6,200 रुपए, दाल चना 8,800 रुपए से 9,500 रुपए, सरसों तेल 10,000 रुपए से 11,500 रुपए, चीनी 3,900 रुपए से 4,100 रुपए, आलू 750 रुपए से 950 रुपए और प्याज 1,000 रुपए से 1,050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसमें आपने ली कृषि से संबंधित तमाम जानकारी, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव को भी आपने अच्छी तरह से जाना। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा विराम, कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आज हमारे पास अच्छी और तगड़ी जानकारी है। वो जानकारी ये है कि हमारे तमाम किसान भाई रबी की फसल लगाए हुए हैं, लेकिन ऐसे में उनकी फसल कैसे अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, उनको उत्पादन अच्छा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने खेतों में समुचित मात्रा में पोषक तत्वों की जांच कर लें। अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो उनकी खेती मारी जाएगी, उनको नुकसान हो सकता है। और यही तो हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप कि फसल अच्छी हो और आपका उत्पादन बढ़िया हो, लेकिन उसके लिए आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, क्या क्या चीज करना है, आइए विशेषज्ञ से जानते हैं। झारखंड राज्य में किसान सब्जियों की खेती तो करते हैं, परंतु कई किसान ऐसे होते हैं जो ठीक तरह से पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं कर पाते। इसके कारण फसल की उपज प्रभावित होती है। पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मिट्टी की जाँच कराना। मिट्टी की जांच के बाद किसान भाई अनुशंसित मात्रा में अपने खेतों में खाद का प्रयोग कर सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की ओर से सब्जी की खेती के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की अनुशंसा की गई है, जिसमें मुख्य है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसके अलावे सड़े गोबर की खाद और वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सब्जी जो फसलें हैं वो अगर देखा जाए तो अत्यधिक रूप से पोषक तत्वों की उसको ज़रूरत होती है। और आज कल हम लोग जैसे देख रहे हैं कि हमारे हर जिला में, हमारे झारखंड के हर जिला में मिट्टी जांच का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उससे भी आपको अपने खेत की मिट्टी के बारे में जानकारी मिलेगी और उसके अनुसार आप अपने खेतों में खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सब्जी में भी अलग अलग फसलें होती हैं, अलग अलग सब्जियाँ होती हैं, तो उन फसलों में भी हमारे झारखंड सरकार की ओर से या हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न पोषक
तत्वों की अनुशंसा की गई है। इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो नेत्रजन, फॉस्फोरस और पोटास के रूप में हम लोग खेतों में डालते हैं। और अगर देखा जाए तो हमारी खेत की मिट्टी, पूरे झारखंड की मिट्टी अगर कहा जाए तो 70% से ज़्यादा जो है अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी में अगर हम खाद का समुचित हम लोग प्रबंधन नहीं करेंगे तो हमारी फसल की जो उपज है वो अच्छा नहीं होगी, साथ ही साथ जो है पर्यावरण भी दूषित होगा और हमारी खेत की मिट्टी जो है वो भी खराब होगी। सॉइल हेल्थ कार्ड में मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा का उल्लेख रहता है, अतः किसान भाइयों को चाहिए कि अनुशंसित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग अपने खेतों में करें। अनुशंसित मात्रा से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना लाभकारी नहीं होता तथा उसमें पैसों की बर्बादी भी होती है। लोग सॉइल हेल्थ कार्ड किसान भाइयों को जो दे रहे हैं उसमें उनकी फसलें भी लिखी रहती हैं कि वो आगे क्या फसल लगाएंगे, तो उस फसल के अनुसार ही वहाँ पे वो सारा डाटा अवेलेबल रहता है कि उसके खेत में इतनी इतनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की उपलब्ध है, उपलब्ध मात्रा भी रहती है और उसके अनुसार ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया हुआ जो झारखंड के लिए अनुशंसा है उसके अनुसार उसकी फसल के लिए, मान लीजिए सब्जी की टमाटर की फसल है तो टमाटर के लिए देखा जाए तो अनुशंसा जो की गई है वो 174 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपका यूरिया का हम लोगों को उसमें घुरकाव करना चाहिए। जो हम लोग डीएपी डालते हैं वो 108 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकते हैं और जो म्यूरेट और पोटास जो है उसको हम लोग डालते हैं वो 85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। अगर उसकी मिट्टी में, अगर मान लीजिए कि उसकी मिट्टी में 50 किलोग्राम ऑलरेडी आपका जो है नेत्रजन है तो वो क्यों नहीं उतना मात्रा उसमें कम डालेगा, तो उसमें वो मात्रा ऑलरेडी कैलकुलेटेड निकला हुआ रहता है और चूंकि उसके पास सॉइल हेल्थ कार्ड आ जाता है तो उसमें करीब करीब 12 एलिमेंट, 12 तत्वों का ब्यौरा रहता है जिसमें कि मुख्य पोषक तत्व नेत्रजन, फॉस्फोरस, पोटास, उसके अलावा द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, उसके साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व में आपका बोरोन हुआ, जिंक हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, इसकी जानकारी दी रहती है कि उसकी मिट्टी में कितना अवेलेबल है। तो उसके आधार पर वो वैज्ञानिकों के यहाँ जा कर के भी वो जो भी फसल लगाने वाले हैं, जो भी सब्जी की फसल या धान की फसल या तिलहन या दलहन लगाना चाहते हैं तो उसके अनुसार वो अपने जो भी फसल लगाएंगे उसके लिए खाद की मात्रा या उर्वरक की मात्रा वो उससे उस वैज्ञानिक से जान सकते हैं और उसके अनुसार वो उसको अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। जो किसान भाई जैविक विधि से खेती करते हैं और पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहते हैं तो उन्हें धीरे धीरे रासायनिक खाद का प्रयोग कम करते जाना चाहिए। इसके साथ साथ बाजार में उपलब्ध जैविक पदार्थ जैसे सड़े गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोमूत्र आदि का प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए। इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की बढ़ोतरी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए भी जैविक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मटर के पत्ते का प्रयोग कर किसान भाई खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर किसान भाई जैविक रूप में खेती करना चाहेंगे तो उसके लिए उसको जो है कि अपने खेत को, जो भी जहां पे यूज नहीं किया गया हो उस तरह की खेत को वो तैयारी करें। और जैविक रूप से खेती करने के लिए सबसे पहले तो चाहिए कि रासायनिक खाद का जो प्रयोग है वो आप संतुलन में जो कर रहे हैं उसको धीरे धीरे कम करते जाएं और उसमें जो है कि जो जैविक तत्व है जैसे कि सड़ा हुआ गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट हुआ, गौमूत्र हुआ, अमृत पानी बोलते हैं, फिर जो आपको बायो डेंसिटी करके और भी जो है उस तरह का जो पदार्थ जो बाजार में उपलब्ध है या कीटनाशक जो जैविक है, इन सब का उनको प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अगर वो बायोडायनेमिक्स का अगर वो प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व की भी बढ़ोतरी होती है। एक बार से आपका खेत जैविक रूप से पूरी तरह से नहीं हो सकता है तो धीरे धीरे रासायनिक खाद की मात्रा को कम करके उसको आपको जैविक बनाना है और जैविक बनाने के लिए आप जितना हो सके उसमें भरपूर मात्रा में जो भी है आपका जो पत्ता हुआ, जैसे कि आपका ये मटर हुआ, मटर का जो अगर देखा जाए तो उसका गांठ होता है, आपका जो अरहर हुआ उसका भी जड़ में गांठ होता है जिसमें कि बैक्टीरिया रहता है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर के जमीन में फिक्स करता है, तो इस तरह की चीजों का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से रिसोबियम कल्चर का प्रयोग कर वे अपने खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों
तथा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उसी तरह से राइजोबियम कल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइजोबियम कल्चर भी जैसे कि दलहन फसल तेलहन फसल के लिए अलग अलग तरह से वो बनाया जाता है और उसको किस तरह से प्रयोग करना वो भी उस पैकेट में लिखा रहता है जो कि हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। तो किसान भाई अपने जो बीज है अगर उसको उस राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके अगर खेतों में डालेंगे तो उसके उसके पौधे के जड़ में जितना गांठ बनेगा तो उतना जो है कि उसमें बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जो आएंगे और वो जो है हवा से नाइट्रोजन लेंगे तो करीब करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से वो जो है यूरिया की जो खपत वो कर रहा है उसको वो बचा सकता है। ढैंचा का प्रयोग करने से भी पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह से किसान भाई सब्जी की खेती के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कर गुणवत्ता वाली सब्जी की अधिक उपज ले सकते हैं। साथ ही साथ ढैंचा का अगर प्रयोग करें ढैंचा जो फसल है उसको वो जैसे गर्मी में आप देखेंगे जून जुलाई में पानी आना जून में या मई महीना में पानी आता है तो ढैंचा को खेतों में डाल दे और वो जब 30 दिन का होता है तो उसको फिर वो उसको जुताई कर दे नहीं तो उसको ब्राउन मैन्यूरिंग के रूप में 2,4-D से उसको उपचारित करे 2.5 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल करके 2,4-D का अगर वो ढैंचा पे छिड़काव करेंगे तो वो तुरंत से ही वो जल करके नीचे मिट्टी में जाएगा और वो जल्द से जल्द मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा सड़ जाएगा और वो पौधों के लिए उपयोगी होगा। तो इस तरह से किसान भाई जो हैं जैविक रूप से भी अपने खेत को और अधिक फलदायक बना सकते हैं उसे अधिक से अधिक फसल वो प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाई सब्जी की खेती के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कर गुणवत्ता वाली सब्जी की अधिक उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों तो कैसी लगी हमारी यह जानकारी? हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी मिट्टी की जांच कराकर संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की कमी को दूर करेंगे और अच्छी फसल और उपज पाएंगे। किसान भाइयों यहाँ भी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे तमाम किसान भाई अभी बैगन की खेती कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी फसल में कीट का प्रबंधन अवश्य करें। अगर कीट लग जाएगा तो फसल उनकी मारी जाएगी, उनको नुकसान हो सकता है। ऐसे में वो किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसे कीट का प्रबंधन करें, आइए विशेषज्ञ से जानते हैं। झारखंड प्रदेश में यूं तो बैगन की फसल व्यापक पैमाने पर होती है, लेकिन इसमें लगने वाले कीट किसान भाइयों को हमेशा से भयभीत करते आए हैं। बैंगन में मुख्य रूप से लगने वाला कीट है लाल मकड़ी, जिसका उपचार जैविक तथा रासायनिक दोनों विधियों से किया जा सकता है। जैविक विधि में नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट का छिड़काव करना पड़ता है, वहीं रासायनिक विधि में इमिडाक्लोरोपीट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। बैंगन की फसल में कीड़ों का काफी प्रकोप होता है। मुख्य रूप से बैंगन में एक लाल मकड़ी होती है, 8 पैरों वाली मकड़ी, ये जो है बैंगन के पत्तियों उनके मुलायम भागों डंठलों को चूस कर उसको कमज़ोर कर देता है और जो है बाद में मकड़ी का जाल भी बना देता है। इससे बैंगन का जो पौधे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और फसल पर काफ़ी इसका बुरा असर पड़ता है, उत्पादन घट जाता है। इसके नियंत्रण के लिए 2 विधियाँ हैं। इसके लिए जैसे जैविक विधि का यदि प्रयोग करेंगे तो इसके लिए आपको नीम जो बेस्ट पेस्टिसाइड हैं जी उसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट का 5% का घोल बनाकर छिड़काव करना पड़ेगा। और यदि रासायनिक विधि की बात करें तो एमीडा क्लोरोपिट करके एक रसायन है, इसका 1-1.5 मिली का घोल तैयार करके फसल पर छिड़काव करने से इस मकड़ी से का नियंत्रण हो जाता है और फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। इसके अलावा तना छेदक
तथा फल छेदक कीट का प्रकोप बैंगन में देखा जाता है। इसके प्रकोप से उत्पादन काफी प्रभावित होता है। इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को जैविक विधि का प्रयोग करना चाहिए। इसमें 5% नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट का घोल बनाना चाहिए, जिसके छिड़काव से कीटों पर नियंत्रण पाया जाता है। इसके अलावा और जो मुख्य रूप से बैंगन के कीड़े हैं वो हैं तना छेदक, तना छेदक, फल छेदक, और ये जो मुख्य रूप से दो हैं, इससे बैंगन उत्पादकों की कमर टूट जाती है और फल के अंदर ये कीड़े घुसकर फल के गूदे को खाता है। फल की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ह्रास हो जाता है। इससे बैंगन के जो बाज़ार में कीमत है बैंगन ले जाने पर, उससे किसानों को बहुत कम मिलता है, जिससे कि हमारे किसान भाई को ये समझना चाहिए कि खास करके बैंगन में जो फली छेदक है इसका किस तरह से वो नियंत्रण करें। इसके लिए किसानों को सबसे पहले ये प्रयोग करना चाहिए कि इसमें रसायन का ना प्रयोग करके वो जैविक विधि द्वारा इन कीड़ों का नियंत्रण करें। इसके अलावा बैंगन में उकठा रोग भी पाया जाता है। इस रोग का निदान संभव नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक ऐसे पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा देने की सलाह देते हैं। इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वे बैंगन की फसल 3 वर्ष में एक बार लगाएं। ये उकठा रोग है, ठीक ना, ये उकठा रोग है और इसके निराकरण के लिए ये एक तरह से कहा जाए तो ये कैंसर है, और जिस पौधे में ये लग गया वो उसका तो निदान संभव नहीं है, उसको उखाड़ कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। लेकिन इससे बचाव के लिए हमारे बैंगन के किसानों को ये सलाह है कि वो खेती करते समय 3 वर्षीय फसल चक्र का चक्र के तहत बैंगन का खेती करें, अर्थात जिस खेत में बैंगन का एक बार खेती करें वो तीसरे साल फिर बैंगन की खेती होगी, लगातार बैंगन का खेती न करें। बैंगन की फसल में इस तरह के कीड़े का प्रकोप न हो, इसके लिए बैंगन की रोग प्रतिरोधक तथा कीट प्रतिरोधक प्रजातियों के बीज का चयन करना चाहिए। इसके लिए अर्का आभा प्रजाति बेहद उत्तम मानी जाती है। भाइयों को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि रोग प्रतिरोधी और कीड़े प्रतिरोधी प्रजातियां बाजार में उपलब्ध हैं, ऐसी प्रजातियां उपलब्ध हैं जिसपे कि इन रोगों का कीड़ों का प्रकोप कम होता है, तो वो ऐसे प्रजातियों का चयन करें जिससे कि रोग और कीड़ों का प्रकोप कम हो। खास करके बैंगन में एक उकठा भी बहुत बड़ा रोग है, ठीक ना, फली छेदक भी है, उकठा भी है। इससे बचने के लिए जो प्रजातियां, जो अनुशंसित प्रजातियां हैं जिसमें अर्का आभा है, अर्का विकास है, इनका जो है इनका प्रयोग करने से हमारे किसान भाइयों को बैंगन की खेती में आगे चलकर दिक्कतें नहीं आएंगी और उसमें रोग और कीड़े का प्रकोप भी कम होगा, साथ ही साथ उत्पादन अधिक होगा। बैंगन की फसल के साथ यदि अन्य फसलों जैसे गेंदा की फूल की खेती की जाए तो भी कीटों के प्रकोप से बचा जा सकता है। आप बैंगन की फसल में यदि इंटरक्रॉपिंग करने के अलावा आप बॉर्डर में चारों के तरफ बैंगन की फसल के खेत के चारों तरफ यदि 4 कतार गेंदे की फसल को लगा दें, ठीक है, गेंदे की फसल को लगा दें तो स्वाभाविक रूप से सारे कीड़े का वो जो है एट्रैक्शन गेंदा का फूल हो जाता है और इससे आपके फसल को काफ़ी फायदा होता है और बहुत कम लागत में आप कीड़ों को कंट्रोल। फेरोमोन ट्रैप का भी अपने खेतों में उपयोग कर किसान भाई इन कीटों को फसल तक पहुंचने से पहले ही रोक सकते हैं। इसकी गंध से आकर्षित होकर फल छेदक कीड़े ट्रैप में जाकर फंस जाते हैं और इससे फसल का बचाव हो जाता है। इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रखकर हमारे किसान भाई बैंगन में लगने वाले कीटों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए विकसित किया गया है फेरोमोन ट्रैप, और खास करके बैंगन की फसल में फेरोमोन ट्रैप का बहुतायत जो हमारे अच्छे किसान, प्रशिक्षित किसान हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं। और ये है कि ये फली छेदक का कीड़े ये उस ट्रैप में जाके फंस जाते हैं, उसका प्रत्येक प्लॉट में 10 से 15 ट्रैप लगाए जाते हैं
और वहाँ उनके गंध से आकर्षित होकर जाके वहाँ फंस जाते हैं और इससे फसल का आपका बचाव हो जाता है और किसान को रसायन का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ये कम लागत वाली भी ये तकनीक है, इससे कम लागत में आप फसल को बचा सकते हैं। इसी के साथ घड़ी टिक टिक का इशारा कर रही है, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव हो या फिर किसी समस्या का समाधान आप हमें चाहते हैं तो हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।